न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अक्षा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बीएसएफ में रसोईया रह चुका शख्स निकला 100 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड। 12वीं तक पड़ा 46 मामलों में बोर्डराज। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के ओमा राम मारवाड़ी 38 वर्षीय को क्राइम ब्रांच ने 100 करोड़ की ठगी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वह राजस्थान में दर्ज धोखाधड़ी के 59 मामलों में वांटेड था। उसने 2004 से 2006 तक बीएसएफ में रसोई के रूप में काम किया। आरोपी का कहना है कि उसने बीएसएफ की नौकरी छोड़ दी क्योंकि वह अमीर बनना चाहता था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के एक पूर्व रसोई को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ में आए आरोपी ने महज कुछ ही दिनों में बीएसएफ इसलिए छोड़ दी थी कि वह अमीर बनना चाह रहा था। अमीर बनने के लिए उसने ठगी का रास्ता चुना और 100 करोड़ की ठगी को अंजाम देकर फरार हो गया। 2008 से 2011 के बीच दर्ज हुए 49 मामलों में राजस्थान पुलिस को ओमा राम की तलाश थी। आरोपी के 46 मामलों में भगोड़ा भी घोषित कर दिया जा चुका है, लेकिन ये शातिर पुलिस को चकमा देने के लिए न सिर्फ अपना नाम बार बार बदल रहा था बल्कि शहर भी बदलता जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने 6 महीने की कोशिश के बाद ओमा राम को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल राजस्थान के जोधपुर निवासी ओमा राम को साल 2004 में बीएसएफ में कुक की नौकरी मिली थी, लेकिन 2 साल बाद ही ओमा राम ये नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे जल्द ही अमीर बनना था। नौकरी छोड़ने के बाद ओमा राम ने साल 2007 में अपनी सिक्योरिटी कंपनी शुरू की और उसमें 60 लोगों को भर्ती भी किया। फिर इस कंपनी को इसने एक्स सर्विसमैन राकेश मोहन को बेच दिया। इसके बाद 2007 में ही इसने एक MLM कंपनी के एजेंट की नौकरी शुरू कर दी। यहाँ करीब 1.5 करोड़ कमाने के बाद उसने यहाँ भी नौकरी छोड़ दी और 2009 में आरोपी ने एक अपनी लिमिटेड कंपनी खोली और खुद मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। ये कंपनी नए सदस्यों को जोड़ने पर कमीशन देती थी। हर सदस्य को 4,000 रुपए करने के लिए आदेश देती थी। बदले में उन्हें 400 रुपए का एक सफारी सूट भी मिला करता था। हर मेंबर को कमीशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 और सदस्यों से जुड़ना पड़ता था। सदस्यों को उनके निवेशन पर सुनिश्चित रिटर्न की भी गारंटी दी गई थी। लगातार एक साल तक हर महीने 2 लाख का बिजनेस देने वाले इन इनाम में एक साल बाद बाइक भी दी जाती थी। इस तरह हजारों सदस्य जुड़ गए और कंपनी ने लोगों को 100 करोड़ का चूना लगा दिया। कुछ समय बाद कंपनी ने कमीशन देना भी बंद कर दिया। साल 2011 में कंपनी के खिलाफ कई क्रिमिनल केस राजस्थान में दर्ज भी किए गए। इसके बाद ओमा राम वहां से फरार हो गया और इंदौर पहुंच गया और वहां उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस भी ले लिया। ओमा राम वहां राम मारवाड़ी के नाम से रहने लगा। इंदौर में कई काम धंधों में नुकसान उठाने के बाद ओमा राम दिल्ली आ गया। यहाँ उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया। फिर 2018 में इसने कैशबैक बाजार के नाम पर ग्रोसरी स्टोर खोला, लेकिन इसमें भी उसे नुकसान उठाना पड़ा। 2020 में इसके खिलाफ रेप की FIR भी दर्ज हुई थी, जिसमें राम मारवाड़ी के नाम से गिरफ्तार हुआ। इसके बाद 2021 में आरोपी के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया और इंदौर शिफ्ट हो गया। इस प्लेटफॉर्म को बनाने के पीछे इसकी साजिश थी, फिर इसे लोगों को ठगी का शिकार बनाना। इस दौरान दिल्ली पुलिस को इसके ठगी की जानकारी मिल गई और फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सीमा सुरक्षा बल BSF के एक पूर्व रसोईया को गिरफ्तार किया है। पकड़ में आए आरोपी ने महज कुछ ही दिनों BSF इसीलिए छोड़ दी थी कि वह अमीर बनना चाह रहा था। अमीर बनने के लिए उसने ठगी का रास्ता चुना और 100 करोड़ की ठगी को अंजाम देकर फरार हो गया। 2008 से 2011 के बीच दर्ज हुए 49 मामलों में राजस्थान पुलिस को ओमा राम की तलाश थी। आरोपी को 46 मामलों में भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन यह शातिर पुलिस को चकमा देने के लिए न सिर्फ अपना नाम बार बार बदल रहा था बल्कि शहर भी बदल रहा था। दिल्ली पुलिस ने 6 महीने की कोशिश के बाद ओमा राम को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल राजस्थान के जोधपुर निवासी ओमा राम को साल 2004 में BSF में कुक की नौकरी मिली थी, लेकिन 2 साल बाद ही ओमा राम ने यह नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे जल्दी अमीर बनना था। नौकरी छोड़ने के बाद ओमा राम ने साल 2007 में अपनी सिक्योरिटी कंपनी शुरू की और उसमें 60 लोगों को भर्ती किया। फिर इस कंपनी को इसने एक्स सर्विसमैन राकेश मोहन को बेच दिया। इसके बाद 2007 में ही इसने एक MLM कंपनी में एजेंट की नौकरी शुरू की।
यहाँ करीब 1.5 करोड़ कमाने के बाद उसने यहाँ भी नौकरी छोड़ दी और 2009 में आरोपी ने एक अपनी लिमिटेड कंपनी खोली और खुद मैनेजिंग डायरेक्टर बना। यह कंपनी नए सदस्यों के जुड़ने पर कमीशन देती थी, हर सदस्य को 4,000 रुपए जमा करते थे, बदले में उन्हें 4,000 रुपए का एक सफारी सूट मिलता था। हर मेंबर को कमीशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 और सदस्यों से जुड़ना पड़ता था। सदस्यों को उनके निवेश पर सुनिश्चित रिटर्न की भी गारंटी दी गई थी। लगातार एक साल तक हर महीने 2 लाख का बिजनेस देने वाले को इनाम में एक साल बाद बाइक दी जाती थी। इस तरह हजारों सदस्य जुड़ गए और कंपनी ने लोगों को 100 करोड़ का चूना लगा दिया। कुछ समय बाद कंपनी ने कमीशन देना बंद कर दिया। साल 2011 में कंपनी के खिलाफ कई क्रिमिनल केस राजस्थान में दर्ज हो गए। इसके बाद ओमाराम वहां से फरार हो गया और इंदौर पहुंच गया और वहां उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस ले लिया। ओमाराम वहां राम मारवाड़ी के नाम से रहने लगा। इंदौर में कई काम धंधों में नुकसान उठाने के बाद ओमाराम दिल्ली आ गया। यहां उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया। फिर 2018 में इसने कैशबैक बाजार के नाम ग्रोसरी स्टोर खोला, लेकिन इसमें भी उसे नुकसान हुआ। 2020 में इसके खिलाफ रेप की FIR दर्ज हुई, जिसमें राम मारवाड़ी के नाम से गिरफ्तार हुआ। इसके बाद 2021 में आरोपी ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया और इंदौर शिफ्ट हो गया। इस प्लेटफॉर्म को बनाने के पीछे इसकी साजिश थी कि फिर से लोगों को ठगी का शिकार बनाना। इस दौरान दिल्ली पुलिस को इसके ठगी की जानकारी मिल गई और फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल फोन पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstvapp.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।